एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी किसी को सिखा रहे थे गाना, और वो उठ के चले गए बाहर, और वो लड़का गा रहा था तो मैं खेल रही थी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। तो पीछे से मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने सुना, सुन के उन्होंने मेरी मदर को बुला के कहा कि देखो हमारे घर में तो एक अच्छा गवैया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह 6 बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो, और वो दिन था जो मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया। और जब मैं सीखती थी तो मेरा ख्याल मैं शायद 5 साल की थी। उस्ताद तो कुल्लों के 2 हुए हैं, एक अमान अली खान साहब और दूसरे यानी फाइनल अमानत खान। वैसी मुलाकातों में उन्होंने कई मरतबा लता भाई का जिक्र किया कि सज्जा साहब एक लड़की मेरी शागिर्द है, इस कदर अल्लाह पाक की इसको देन है और इस कदर इंटेलिजेंट है और इस कदर म्यूजिकल काइंड ऑफ जीनियस कि जो जो मुश्किलात में उसको गले में मैंने रिहर्सल देता हूँ, उसकी रिहर्सल देता हूँ, वो गले से फौरन अदा करती है। जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो वो अपने म्यूजिक हॉल के बाहर चप्पल उतार देती थी और उस दरवाजे को ऐसे चूमना कि जैसे किसी सरस्वती के मंदिर में आए। तो ये तो नहीं हुआ कि हमेशा उनको बड़ी अच्छी धुन बना के दी गई या हमेशा बहुत अच्छा लिख के दिया गया, जैसे एवरेज जैसे सबको मिलता वैसे उनको भी मिला, लेकिन ये उनकी अपनी आवाज़ का जादू है कि वो लोगों तक पहुँचा और उसे इमॉर्टल बना दिया। इतनी अच्छी पाकीज़ा आवाज़ तभी हो सकती है अगर उनका पवित्र मन हो, हर चीज़ से बारातर हो, क्योंकि ये जो संगीत है ये तो बड़ा ईश्वर और अल्लाह की देन है। आई से दे आर गुड सिंगर्स बट नन हैव बीन एबल टू इक्वल दैट रिफाइनमेंट and it is very difficult for anyone to compete with her because she is invested so heavily in every person who cares for music. There is such a lot in him of Lata Mangeshkar. Hum kehte hain ki kuch log sangeet ko follow karte hain lekin Lata ji ke bare mein kaha jata hai ki sangeet unko follow karta hai. Main yahan 48 se aayi ga rahi hu. Raj Kapoor ji ki Barsaat jab bani thi उसकी रिकॉर्डिंग यही होती थी, और उस तरफ मतलब ये उस वक्त बंद नहीं था, उस तरफ एक छोटा सा ये है जाने का रास्ता, वहाँ खड़े होके मैंने गाना गाया था जिया बेकरार। इसी माइक पे और यही स्टैंड होता था और मैं यहीं खड़ी होके गाती हूँ। आज कम से कम 30-32 साल हो गए। High notes or low notes or this and that, nothing. She would never be told as to what to do while singing. We used to be told. I used to be told, definitely. Yeah, move a little. When you sing, take the higher notes, go back a little and this and that, all kinds of things. But not her. She was never told. She never needed to be told. उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं। वो शायद पहले पूछ लेती हैं, और उन्होंने कहा भी था एक बार कि वो पता करती हैं कि ये जो मैं गाना गाने वाली हूँ किस पे पिक्चराइज होने वाला है, तो वो उस हिसाब से उस अंदाज से गाती हैं। जो वो कहती हैं तो उसमें वो बिलीव इन लगता है,
उसमें प्रिटेंशन कहीं नहीं है, जो उनकी अपनी शख्सियत का हिस्सा है जिंदगी में भी, कहीं कोई प्रिटेंशन नहीं है, जो हैं वैसे ही हैं। अब वो गाते हुए भी इसलिए हर एक चीज़ वो यकीन कर लेने को जी चाहता है कि हाँ ये जो कह रही है चांदनी रात को, जब चांदनी रात कहते हैं तो हाँ वो चांदनी रात है, वो ही होगी। उनकी मुस्कुराहट उनके गाने में, उनकी आवाज़ में दिखाई दे जाती है। अब और वो कितना मुस्कुरा रही हैं वो भी उसमें नज़र आ जाता है, अगर आप जानते हो शख्सियत को। एक बहुत ही और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है उनकी शख्सियत को, आई नो उनकी खामखा इस तरह से तारीफ नहीं कर रहा, पर वो बहुत जेनरस इंसान है, यू नो, जो देने में बांटने में। और ये एलिमेंट अगर आप महसूस कर सकें तो उनके पूरे गाने में, पूरी गायकी में महसूस होता है। दीदी की जो आवाज़ है वो चारों सप्तक में बहुत आसानी से घूमती है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में खर्ज, मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक, ऐसे चार सप्तक मानते हैं हम लोग, जिसमें के 28 सुर लगते हैं। और इन 28 सुरों पे दीदी का काबू बहुत अच्छा है। जैसे पिताजी का एक ढाक होते हैं ना, वैसा सबके ही उसका है। और माँ ने भी हमको सिखाया कि बड़ी बहन है उसके साथ तुम इस तरह से ही बर्ताव करो कि वो तुम्हारे पिताजी जैसी है, माँ जैसी है। तो सभी उसको उसी नज़र से देखते हैं और वो भी हमको उसी नज़र से देखती है हमेशा, जैसे बच्चे हैं उसके। यू कैन नॉट टाइम हर वॉइस इन द सेंस, यू कैन नॉट से दैट शी सैंग दिस सॉन्ग at that period. You know, there are certain songs that have been sung by her which you can even hear today and enjoy. Lata ji mein ek jo badi bahut zabardast khoobi hai ki kisi bhi music director ke sath, any composer, uski baat samajh kar, situation samajh kar gaati hai. Wo apni awaaz ko usi tarah dhal leti hai jaisi situation ho, jaisa kirdaar ho, to उसकी टोन भी वैसी बना लेती हैं। जिस दौर में लता आई, उस जमाने के जो कंपोजर थे मुझ जैसे जाहिल भी थे लेकिन मुझसे बहुत बेहतर लोग भी थे, मास्टर गुलाम हैदर, अनिल विश्वास, सी राम चंद्र, खेमचंद प्रकाश, श्याम सुंदर, ऐसे ऐसे लाजवाब कंपोजर थे, उनकी सोहबत मिली लता को तो अच्छा रास्ता मिला। अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मतलब मैंने उनसे सीखी, जैसे गाने में सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो ये मैंने उनसे सीखा। यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी। दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना, ये मैंने उनसे सीखा, जो कि शायद और आर्टिस्टों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से सीखी। हम लोग तो ये कहते हैं कि इस युग में लता जी सरस्वती का रूप है, और मैं बिल्कुल ये कहने को तैयार हूँ, कहता हूँ, बिलीव करता हूँ कि हम लोग जो लोग उस वक्त हैं, जिन्होंने लता जी को जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने साथ गाने सुने हैं, गाने गाए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, हंसे खेले हैं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर फिर मैंने नौकरी की, और सबसे पहले मैंने नवयुग में, फिर तो फिल्म के सिवा कोई और चारा नहीं था, वहाँ मैंने 3 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, फिल्म में काम किया, छोटा सा रोल था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेकअप और फिर वहाँ जाना, फिर लाइट्स, लोगों का ये कहना वो कहना, फिर ये डायलॉग वो डायलॉग। और जिस दिन मैंने प्लेबैक शुरू किया उस दिन मैंने
भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा मैंने कहा अब मैं फिल्म में काम कभी नहीं करूंगा। She did tell me that you are very lucky like our generation. We've not seen what she's seen. And maybe that's what's made her so humble. She's seen the bad times and she's realized it. And when you see those times you can probably I don't know I think you'll learn to be nice to people. She never made us realize that. That what she has been through. It was all behind her. I mean, for us, it was, I mean, all the time there was, I mean, as if nothing had happened at all. We were just going on with her as a normal family member, just another, like my mother. She was like that. She is like that. She's got an open hand, you know, I mean, she's always giving away things, never taking anything. And she believes in God, absolutely. She'll sit in front of the temple every day and every religious festival, whatever it is, she'll worship and, you know. I mean, it's affected us in all ways. वो ऑडियंस के दिल पर निशाना एक लोग लगाना चाहते थे जो पिक्चर बनाने वाले थे और उसमें इस अच्छे आर्टिस्ट की खूबसूरत हसीन आवाज वो जाके दिल में पैवस्त हो गई गड़ गई है और ऐसे कई निशान लाखों अनगिनत निशान अनगिनत लोगों के दिलों में लता ने पैदा किए हुए पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में और जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी गाने सुने जाते हैं तो वो पूरा जादू सा एक क्रिएट हो गया मैजिक क्रिएट हो गया और उसके बाद ये आलम हुआ कि हर फिल्म में हर हीरोइन ये चाहे हर लड़की ये चाहे कि हमारे लिए जो प्लेबैक हो वो लता जी का हो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार हैं मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ मैं लता मंगेशकर हूँ तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ ये नहीं सोचती हैं ये कोई भी आर्टिस्ट को सोचना भी नहीं चाहिए डुएट गाने रफ़ी साहब और लता जी ने गाए हैं मिलकर जो लोग उनके नाम से वाकिफ नहीं हैं सिर्फ संगीत के शौकीन हैं वो लोग सुनकर ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी किसी मुस्लिम ने गाना गाया है और ये लता मंगेशकर कोई ब्राह्मण लड़की ने गाना गाया है क्योंकि संगीत का जहाँ तक सवाल है उसका बजाते खुद एक धर्म होता है मुझे लगता है कि ये जो आध्यात्मिक गाने हैं उसमें दीदी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सज जाती है उसका एक बहुत कारण ये है कि उसका जो अपना व्यक्तिमत्व है वो बहुत सादा है और संतों के शब्द बड़े साहित्यिक मूल्य नहीं रखते बल्कि वो बड़े सादे होते हैं उससे वो उस उन शब्दों का सादापन और दीदी के व्यक्तिमत्व का सादापन ये दोनों एक साथ होने से दीदी की आवाज़ संतों के शब्दों के साथ बहुत सही सही मिल रहा है टिपिकल यू नो सॉन्ग्स फ्रॉम द हिल्स सो शी वाज सिंगिंग एंड आई वाज सिंगिंग द पार्ट ऑफ द विच डॉक्टर सो एज द थिंग वाज बीइंग डन आई मीन देयर वर प्लेसेस वेयर लता वाज आस्क्ड टू गिव सम काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन यू नो So I was singing, and as I finished, she gave that kind of an expression. Ooh, 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 ooh. My God, I was taken back, and I stopped. सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है सुर नहीं तो कुछ भी नहीं हम कहते हैं बेसुरा है बेसुरी है ये कहते हैं तो वहाँ म्यूजिक म्यूजिकल वैल्यू म्यूजिक की वैल्यू ख़त्म हो जाती है चाहे वो क्लासिकल हो चाहे फिल्मी हो चाहे गज़ल हो भजन हो तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना है अरे वे चीज़ को भी अमृत जिंदा कर देता है वैसे वो अमृत जो है वो दीदी के गले में है और वो किसी भी सुर को छू देता है तो वो सुर अमरण अमर हो जाता है जिससे कोई आसा सामान्य गाना कोई बहुत साधारण सी धुन भी दीदी गाने से आसामान्य बन जाती है
कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो पुर नहीं होती, खाली रहती हैं। तो जिस तरह से कुंदन लाल सहगल, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार अपनी जगहें छोड़कर चले गए, उनकी जगह पुर नहीं हुई है। लता मंगेशकर जिसका नाम है, लता मंगेशकर को खुदा करोड़ों बरसों जिंदा रखे, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उसका जो मकाम है, उसकी जो जगह है, वो हमेशा खाली रहेगी, वो पुर नहीं। फिर भी क्या कम है, कम है, जहाँ रंग न खुशबू है कोई, तेरे होंठों से रंग न खुशबू है कोई, तेरे होंठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्ज़ों को जो छू लेती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे। तुझको मालूम नहीं या तुझे मालूम भी हो, वो सियाह बख्त जिन्हें गम ने सताया बरसों, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों। जिस घड़ी डूब के आहंग में तू गाती है, आयतें पढ़ती है साजों की सदा तेरे लिए, दम बदम खैर मनाते हैं तेरी चंगो रबाब, सीने नए से निकलती है दुआ। इतना आप लोगों ने प्यार दिया है मुझे और इस कदर दुआएं मिली हैं आपसे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं विनती करूँगी कि आप लोग मन में कोई बैर नहीं रखें और भाई भाई बन के अगर शांति से रहें तो आपका जीवन सुख और शांति से कट जाएगा। और मुझे इतनी खुशी होगी कि मुझ जैसी एक छोटी सी बहन की बात आप लोगों ने सुनी। नमस्कार। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान।